तीन दिवसीय गीता जयंती महोत्सव का आगाज हो चुका है और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हो जाए उसके लिए यहाँ पर तमाम जो है सरकारी विभागों ने प्रदर्शनी में अपने अपने विभागों की जो है योजनाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। और इस वक्त मैं यहाँ पर HSIIDC के स्टॉल पर यहाँ पर मौजूद हूँ। स्टेट मैनेजर हमारे साथ विकास चौधरी जी मौजूद हैं। सर, अध्यात्म के साथ क्या कुछ ऐसा लाने लेकर आए हैं लोगों के लिए जो गीता का ज्ञान सुनेंगे और फिर आपके स्टॉल पर आएंगे तो उनको ज़रूर लाभ मिलेगा। देखिए, मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि आज दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर दिया गया है। एक तो गीता का उपदेश, गीता आज अगर हम गीता की बात करते हैं तो हम ये बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है और गीता को जो भी फॉलो जिसने भी फॉलो किया है वो अपने जीवन में सक्सेसफुल रहा है। और इतने पवित्र कार्यक्रम के साथ उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात भी रख पाएं। तो मेरा जो सबसे पहला मोटिव ये है कि हरियाणा में इंडस्ट्री को क्यों आना चाहिए, इंडस्ट्री का बढ़ावा क्यों होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे NCR में जितने भी शहर हैं, अगर आप गुड़गांव की बात करते हैं, मानेसर की बात करते हैं या फरीदाबाद की बात करते हैं, तो चारों तरफ से ये इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। तो अगर आज मैं अगर फरीदाबाद की बात करता हूँ तो जैसे अगर मैं आज IMT की बात करता हूँ, IMT 2017 में अगर आप देखेंगे तो उद्योगपति जो इंडस्ट्री लगाना चाहते थे छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन पिछले 3 साल में एकदम से उद्योग की क्रांति आई है यहाँ पे। और उद्योग आज एक प्लॉट अगर हम एडवर्टाइज करते हैं तो उसके अगेंस्ट 400 एप्लीकेशंस आती हैं। उसका रीज़न ये रहा है कि आज फरीदाबाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पिछले 3 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर ने एकदम से तेज़ी पकड़ी है। आप जैसे अगर मैं IMT के चारों तरफ की मैं बात करता हूँ तो IMT के अगर आप वहाँ से KGP पे जाना चाहते हैं, वहाँ से अगर आपको गाजियाबाद जाना है, नोएडा जाना है, कुंडली जाना है, तो वहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है वहाँ से। अगर आप जेवर एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो अभी जो जेवर एयरपोर्ट के लिए जो अबारा हमारा 4-लेनिंग रोड बन रही है वहाँ से 25 मिनट का रास्ता रहेगा। IMT के सामने से 8 लेन मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे निकल रहा है। तो चारों तरफ से एक क्रांति सी आ गई है और ये क्रांति का जो फायदा है वो आज HSIIDC को मिल रहा है और उद्योगपति पूरे विश्व के उद्योगपति जो हैं वो आज हमारी तरफ देख रहे हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और आज हम उनको अच्छे सस्ते दामों पे जमीन उपलब्ध करा रहे हैं। यानी वे यहाँ पर ये जान सकते हैं कि HSIIDC के अंतर्गत जो भी औद्योगिक क्षेत्र आता है वहाँ पर उन्हें क्यों निवेश करना चाहिए और क्या कुछ ऐसा है जैसा निवेश रूपी अगर कर्म करेंगे तो HSIIDC उन्हें लाभ रूपी फल देगा। देखिए, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार की आज इतनी पॉलिसीज हैं। सबसे पहली पॉलिसी है हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर कोई हरियाणा में काम करने के लिए आता है तो हमारे सभी डिपार्टमेंट्स को हमने ऑनलाइन एक छत के नीचे कर दिया है। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही जगह पर आप सारे डिपार्टमेंट्स को कैच कर सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि हमारे जो अलग अलग जो जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहे हैं, जैसे अगर आप IMT सोना की बात करते हैं तो अभी जैसे हमने इधर दिखाया हुआ है वहाँ पे 7,000 करोड़ रुपए में 100 एकड़ में वहाँ पे एक बैटरी बनाने वाली यूनिट बाहर से आई है। अगर आप IMT में अगर फरीदाबाद की भी जैसे बात करते हैं, IMT में जितनी बड़ी बड़ी यूनिट्स थी हमारी वहाँ शिफ्ट कर गई हैं। अगर आप खरखोदा की बात करते हैं, मारुति अपना वहाँ पर इतना बड़ा प्लांट लगाने जा रही है। तो अभी तक जितनी भी हमारी प्रोडक्शन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बन रही है मारुति की, वो खरगोदा में बनेगी। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आज निवेश के लिए हरियाणा सबसे बड़ा पॉइंट है। तो देखिए, गीता में कहा जाता है कि अगर कोई परेशानी हो तो उसका हल जो है वो गीता के विभिन्न अध्यायों में निहित है। तो आपके पास भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो, निवेश को लेकर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप कहां पर अपना औद्योगिक निवेश करें, तो गीता महोत्सव में HSIIDC के इस स्टॉल पर आपकी उस समस्या का समाधान मिल सकता है। और अगर आप निवेश रूपी कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर HSIIDC उसका फल जो है आपको लाभ के तौर पर देगा, यही दर्शाने की कोशिश की गई है। मैं एक बार कैमरे की नज़र से आपको दिखाऊंगी, चाहे लैंड बैंक की बात करें, वेस्टर्न पेरिफेरल, कुंडली मानेसर पलवल की बात करें, या जो नोडल एजेंसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, किस तरह से एक विकास का जाल औद्योगिक प्रगति के लिए हरियाणा में बिछाया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में, ये इस स्टॉल पर दिखाया गया है। और निश्चित तौर पर यदि औद्योगिक निवेश को लेकर आपके मन में कोई दुविधा है तो ज़रूर गीता जयंती महोत्सव के सेक्टर 12 के इस स्टॉल पर आएँ ताकि आपकी समस्या का समाधान मिल सके और आप सही जगह पर अपना औद्योगिक निवेश कर सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।